G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले डिनर के निमंत्रण पत्र को लेकर विवाद जारी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को होने वाले G20 के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आपत्ति जताते हुए एक ट्वीट किया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही। अब तक यह परंपरा थी कि सभी आधिकारिक दस्तावेजों में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग किया जाता था। यह पहला मौका है जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का प्रयोग किया गया। दरअसल मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है, जिसका नाम इंडिया है। विपक्षी गठबंधन के नाम के ऐलान के बाद से ही इंडिया शब्द चर्चा में है। बीजेपी नेता लगातार गठबंधन के नाम को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने मंगलवार यानी 5 सितंबर को कहा, पूरा देश मांग कर रहा है कि हमें इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। अंग्रेजों ने इंडिया शब्द को एक गाली के तौर पर हमारे लिए इस्तेमाल किया, जबकि भारत शब्द हमारी संस्कृति का प्रतीक है। मैं चाहता हूँ कि संविधान में बदलाव होना चाहिए और भारत शब्द को इस